नमस्कार, खबरों की बदलती परिभाषा ऑप्टिमिज्म एक आशा में आप सबका स्वागत है। दिन भर की बड़ी खबरें कुछ इस प्रकार हैं। त्राल के बाद अब डोडा हुआ आतंक मुक्त। दक्षिणी कश्मीर में अनंतनाग के रूनीबुरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में आज 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों के पास से AK-47 राइफल और 3 पिस्टल्स बरामद की गई। दक्षिणी कश्मीर में इस महीने ये 13वीं मुठभेड़ हुई है जिसमें 36 आतंकवादियों का सफाया किया गया है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कोरोना संक्रमितों और स्वास्थ्य हुए लोगों के बीच का अंतर 1,11,602 पहुंच गया है और अब तक 3,21,722 मरीज ठीक हो चुके हैं और हमारा रिकवरी रेट 58.67 पहुंच चुका है। भारत चीन सीमा तनाव के बीच फ्रांस से 6 फाइटर एयरक्राफ्ट के 27 जुलाई को भारत पहुंचने की पूरी संभावना है जो कोरोना वायरस की वजह से समय पर नहीं पहुंच सके। भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना की इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए 36 फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। राजनाथ सिंह ने पहला राफेल एयरक्राफ्ट फ्रांस के एयरबेस पर आज अक्टूबर को प्राप्त किया था। जीन एडिटिंग टूल CRI SPR-CAS9 का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे जीन का पता लगाया है जो वायरस से संक्रमित कोशिकाओं यानी कि इन्फेक्टेड सेल से SARS-CoV-2 को फैलने में सहायता करता है। आपको बता दें, SARS-CoV-2 की वजह से ही कोरोना वायरस बीमारी होती है। ऐसे जीन की स्क्रीनिंग करने के बाद रिसर्चर्स का कहना है कि इससे उन्हें समझने में मदद मिल सकती है कि मानव शरीर में रोगजनक की प्रतिकृति कैसे बनती है, साथ ही उन्हें इसकी वैक्सीन बनाने में और उपचार करने में मदद मिल सकती है जिससे वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। सरकार रैपिड एंटीजन बेस्ड COVID-19 परीक्षण के उपयोग का विस्तार करने की योजना बना रही है। वहीं देश में बढ़ते हुए कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए देश के शीर्ष बायोमेडिकल रिसर्च बॉडी ने राज्य को वायरस का पता लगाने के लिए RT-PCR परीक्षण को बनाए रखने के लिए आसान तरीके का उपयोग करने की सलाह दी है। भारत समेत 5 देशों के आपत्ति के बाद UN के गठन की 75वीं सालगिरह के मैनिफेस्टो के ड्राफ्ट से एक डिस्प्यूटेड फ्रेज को हटा दिया गया है। ये फ्रेज चाइनी कम्युनिटी पार्टी की तरफ से इस्तेमाल किए गए एक वाक्यांश से मिलता जुलता था जिसे लेकर भारत के अलावा ब्रिटेन और अमेरिका भी ऑब्जेक्शन जताने वाले 6 देशों में शामिल था। UN आम सभा के अध्यक्ष मोहम्मद बांदे ने सभी सदस्यों को 25 जून को पत्र लिखा और इस वाक्यांश की जानकारी दी। UN ने UK के मुताबिक 5 आईज में ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कैनेडा और भारत शामिल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दिल्ली सरकार प्लाज्मा बैंक बनाने की योजना कर रही है जिससे कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज में काफी मदद मिलेगी। उनका कहना है कि इस वक्त प्लाज्मा थेरेपी से लोगों को काफी मदद मिलेगी लेकिन इसका डोनर खोजना काफी मुश्किल काम है। ऐसे में दिल्ली सरकार द्वारा उठाया गया ये कदम प्लाज्मा के जरूरतमंदों की काफी मदद करेगा। ऑप्टिमिज्म एक आशा में आज इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने आसपास सफाई रखें और हमारे साथ यूं ही बने रहिए और देखते रहिए इंफोबग।